कमेंट में बताना ये हमारे राधा कृष्ण की पेंटिंग कैसी है। टू भी कंटिन्यू ही चल रहा है, बट क्या बताऊँ कि शाम को ऑफिस का काम रहता है, लोगों से बातचीत करना रहता है, देन कुछ रिसर्च करना रहता है, तो उस तरह से बाद में मैं रात को वीडियो नहीं बनाता। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं ट्रैवल करते रहूँगा ना तो मेरा जो खुद का पर्सनल काम रहता ना वो नहीं हो पाता, इसलिए ध्यान देना पड़ता है। और बाद में 4-4 बजे तक हम लोग जगते हैं, तो सुबह वापस ज़्यादा भी नहीं बोलूँ तो 8:30 बजे तक उठना पड़ता है, क्योंकि 9 बजे से अपने कॉल, स्टॉक मार्केट बहुत कुछ चालू हो जाता है। उर्मी को ड्रॉप करना है स्कूल में, बिकॉज एग्ज़ाम चालू है, तो उस हिसाब से बाद में नींद पूरी नहीं होती, तो बोलते ना सर दर्द रहता है और बाद में बॉडी भी वीक लगती है। तो उस हिसाब से बोलते ना कि रात को मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बट वहाँ से टू भी कंटिन्यू समझो। सुबह उठ चुका हूँ, गोप्रो की ऑडियो चेक कर रहा था कि लास्ट व्लॉग में पीछे का कुछ ऑडियो में गड़बड़ हो गया था, तो क्या बताऊँ भाई, सब चलते रहता है। अभी मैं वापस सुबह हो गई है, तो जो पर्सनल काम थे फटफट कर लिया, और मेरे को स्कूल में ड्रॉप करना है। हेलमेट में देखो स्कूल की तैयारी करके रख दिया था, गोप्रो एंड ऑल, तो अभी लेने जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, कपड़े पहनने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मुझे ना लोअर पे है ना ब्लैक कलर पहनना पसंद है, और ऊपर है ना ये अलग अलग टी शर्ट पहनना पसंद है। अगर आप लोगों ने देखा रहेगा तो कल रेड टी शर्ट पहनी थी, उससे पहले वाइट टी शर्ट पहनी थी, तो हर दिन का मेरा है ना कलर फिक्स है कि ये दिन पे ये कलर पहनना चाहिए। बट क्या होता है ना, नीचे का लोअर है ना ब्लैक ही पहनना पड़ता है, और मेरे पास है ना, जैसे मैं कपड़े बता दूँ, बहुत सारी टी शर्ट है, बट सबसे ज़्यादा क्या रहता है कि ये सब टी शर्ट पे ना कलर कॉम्बिनेशन में देखना है, तो ब्लैक कलर नीचे पहनोगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मेरे पास है ना ये लोअर पे, ये देखो ये वाले हैं सब ब्लैक टी शर्ट, इस पर ज़्यादा जाते हैं। ये मैंने जो ऑलरेडी एक पहना है, ये इस पर भी ब्लैक टी शर्ट जाता है, ब्लू जींस पे भी ब्लैक टी शर्ट जाता है, ये ग्रे देखो इस पर भी ब्लैक टी शर्ट जाता है, इस पर भी ब्लैक टी शर्ट जाता है, इस पर भी ब्लैक टी शर्ट जाता है, मिलिट्री वाला है उस पर भी ब्लैक टी शर्ट जाता है, और ब्लैक पे भी ब्लैक टी शर्ट जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपर में ना ब्लैक टी शर्ट के रिलेटेड है ना नीचे के कलर कॉम्बिनेशन बहुत सारे, बट नीचे खाली ब्लैक ही कलर पहनो और ऊपर अलग अलग टी शर्ट पहनना पड़ता है। ये ब्लैक वाइट, ब्लैक पीच, ब्लैक रेड, ब्लैक येलो, सब कलर है ना परफेक्ट बैठता है। तो मेंस के लिए यही कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा रहता है। अगर रेड येलो पहनूंगा तो टैक्सी लगूंगा, तो फिर उन्हें सब नहीं पहनता। और मैं बाइक जब चलाता तो ये एक ब्लैक टी शर्ट अपनी है, डिकैथलॉन से ली है मैंने, जो पहनते रहता हूँ। बिकॉज क्या होता है कि इसको 2-3 दिन पहनने के बाद वॉश पे डालता हूँ, बाइक जब चलाता तो ना टी शर्ट ख़राब हो जाती है और बास मारती है, इसलिए ये ब्लैक टी शर्ट मैंने एक कॉमन रखी हुई है। तो ये फटफट मैंने आप लोगों को बता दिया कि सुबह सुबह है ना 15 मिनट खाली कपड़े ढूंढने में ही जाते हैं। मेरे पास सब कपड़े, बट यही प्रॉब्लम होता है कि कौन से कपड़े पहने। तो अभी तो आज मैंने अभी तो ये देखो नीचे ये मैंने ट्रैक पहना हुआ है और ब्लैक टी शर्ट ऊपर पहना हुआ है। तो सीधा मैं मिलता आपको मोटो व्लॉग करते वक्त, क्योंकि फास्ट बोलना पड़ रहा है, क्योंकि निकलना है जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलो आज हम लोग देखते हैं कि गोप्रो की आवाज़ कैसी आती है। बाइक की चाबी ली, मोबाइल लिया, बैग लिया, रेडी आजा नीचे, मैं बाइक निकाल रहा हूँ। फटफट जाना पड़ रहा है भाई, चलते चलते। मोबाइल में मैसेज दिखाऊँ कितना, देखो दिखाता हूँ, ये देखो 949। इंस्टाग्राम पे भी खोलूँगा ना धाड़ करके दिखा कितने सारे थे। ये देखो कुछ का भी रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ सुबह सुबह, तो व्हाट्सअप मैसेज देख लेता हूँ कि ये फैमिली है, सबके साथ वो बातचीत तो करना पड़ता है इसके लिए। चलो बाइक निकालता हूँ सीधा। भागम दौड़ी करते करते सांस फूल जाती है। लाइफस्टाइल लोग आपको ऐसे ही देखने मिलेगी। बाकी बहुत सारे क्रिएटिव आइडिया है मेरे पास, बट बोलते ना उसके लिए और एक मेंबर चाह रहा था जो मुझे शूट करे। जैसे मैंने वहाँ पे कैमरा लगा दिया, फिर मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ तो आपको देखने मिले। पर जैसे मैंने बताया, उर्मी खुद एग्ज़ाम के टेंशन में रहती है, तो उसको कैसे काम पे लगाओ और फटफट करना रहता है ना, इसके लिए आपको ऐसा दिखने मिलता है। पर जब मेरे पास टाइम रहता है, ट्रैवल व्लॉग, मोटो व्लॉग करना रहता है, प्रॉपर शूट करता हूँ मैं। गाड़ी को सर्विसिंग पर भी डालना है, बट जब उर्मी की स्कूल के एग्ज़ाम में गैप रहेगा ना तभी डालेंगे। ये बैग मैंने ऐसे डाल दी जिसकी वजह से मेरे को पहनना ना पड़े। भगवान का नाम लेते हैं, गणपति बाप्पा मोरया। हमेशा मैं जब गाड़ी भी चालू करता ना तो ट्रिप ज़ीरो कर देता हूँ, जिससे पता चले कि आज मैंने कितनी गाड़ी चलाई। आजा बढ़िया। मैं वापस घर पे आया, क्योंकि मैं चश्मे पहनना ही भूल गया। ये देखो मिरर में यहाँ पर दिख रहे चश्मे, पहना ही नहीं है। जब बिना चश्मे के मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा? भागम दौड़ी करते करते मैं चश्मे लेना ही भूल गया। ऐसा होता है भाई, भागम दौड़ी करते तो गाय 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 जल्दी जल्दी करने में भूल जाते। स्टॉक मार्केट एक बार चेक कर लेता हूँ। अप एंड डाउन हो रहा है, देखो ना ग्राफ में दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। IRCTC बेचने का आज सुबह आया था, ये देखो दिखा देता हूँ, मैंने एवरेज किया था 97 शेयर है। मम्मी के पास अलग से शो शेयर है 868.84, मतलब एवरेज है मेरा 869। और आज सुबह टू डेज हाई कितना मारा है 868.40, मतलब कट्टू कट आ गया है। ये 875 पे भी आ गया ना मैं बेच के निकल जाऊँगा यार, पैसे मेरे को रोकड़ा करना है। यहाँ पे देखो 84,000 अटके पड़े और मम्मी के पास भी सेम 84,000 अटके पड़े यार। 2 लाख बाहर निकलेगी तो बोलते ना कुछ काम आएगी। यहाँ पे दूसरे भी शेयर है मैंने लेने के लिए रखा है, हाई कल गिर चुका था मालूम है ना, गुजरात गैस में लोचा हुआ था, तो इसको भी एवरेज करना है। बट जब ये पैसे निकलेगी तो एवरेज करना है। अपने पास पैसे पड़े, बैंक अकाउंट नहीं दिखा होगा, बट बोलते ना सेफ साइड में खेलना पड़ता है इसके लिए। चश्मे आगे, अरे थैंक यू, चलो चलो जल्दी जल्दी। बट ये देखो चश्मे अब भी तुम्हारे सामने खोल रहा हूँ, लेना ही भूल गया मैं। हाँ बैठ 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 बैठ। ओ अरे अपनी गाड़ी धो दी, किसने धोई पता नहीं, अचानक मेरी नज़र गई। मेरे को तो याद भी नहीं रहता कभी कभार अपने पास गाड़ी है। जब ऐसे बाहर घूमने जाना रहता तभी फील होता है अरे अपने पास गाड़ी भी है ना, चलो उसमें जाते हैं। भाई साहब खोलो, एक्चुअली सुबह सुबह ये लोगों को गेट ही खुला रख देना चाहिए ना, कि हर कोई जाएगा आएगा। हाँ वो भी है, कई लोग शाणे लोग रहते हैं जो ज़बरदस्ती का घुस जाते हैं। हेलमेट का वाइजर बन रहता है ना तो चश्मे में फॉग जम जाता है, नाक में से जो बाफ निकलती है ना उसकी वजह से। उर्मी की स्कूल आ गई, एग्जिट हम लोग 10:55 पे पहुंच चुके हैं। अब ये हाँ बच्चे हैं, हाँ एक मिनट रुक, हाथ तो हटा, पहले उतर जा ठीक है, कल में कल की तरह सेम ठीक है। हाँ चलो उर्मी को मैंने ड्रॉप किया, अभी मैं निकलता हूँ घर की तरफ। अरे घर की तरफ ने बोले स्टॉक मार्केट एक बार देख लेते, किसका कॉल बोला है वो देख लेते ना, वापस याद आया बराबर ना, कुछ मैंने रखा हुआ है तो हिट हुआ नहीं हुआ। मार्केट देखो ऊपर नीचे फ्लेक्सिबल है, मैंने जो हिट करने रखा है वो हिट नहीं हुआ है। IRCTC भी क्या यार चलना भाई, व्हाट्सअप मैसेज कुछ खास नहीं है ठीक है। इंस्टाग्राम पे तो बाद में देख सकते हैं, यूट्यूब स्टूडियो देख लेते हैं, किसी ने कुछ मैसेज किया हो। गार्ड के रिलेटेड लोग बोल रहे तो अभी कैसे बताओ, अपना जो बर्गमैन गाड़ी है उसके गार्ड के लिए आप लोग बात करते हो, तो ऐसा है कि एक जगह मैंने बातचीत की है बट वहाँ पे वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो कैसे बताऊँ उसके घर में फैमिली इशू हो गया है कोविड का, तो उसकी वजह से बोल रहा है भाई जब मैं घर का सब कामकाज कर लेता हूँ और प्रॉपर फ्री होता हूँ तभी मिलता हूँ। और वो गार्ड बनाने के लिए बातचीत करते हैं, मैं आपको गार्ड बना के दूंगा, मुझे ऑर्डर ला के देना। तो बर्गमैन के रिलेटेड जिसको भी गार्ड चाहे बना के मिलेगा, बट वो मैकेनिक को जब ऑर्डर मिलेगा तब भी वो बनाएगा। तो क्या रहता है वो लोग बोलते कि हम लोग डाई बना के रख देंगे जिसकी वजह से फटफट बनेगा और कुरियर कर सकते हैं। प्राइस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, वो बोला भाई एक बार आओ गाड़ी लेके चेक करता हूँ, मैं एस्टिमेट निकालता हूँ, सस्ते से सस्ता मैं कोट दूंगा। तो बोला ठीक है मुझे बताना। इसके लिए अब तक मैंने बोला था कि पहला वाला जो मैकेनिक था वो डेथ हो गई है, दूसरा वाला मैकेनिक मिला है तो उसके कोविड का सिचुएशन है, तो इंतज़ार करना। फेब चल रहा है ना, फेब एंड तक मैं शायद उसको वापस कॉल करूँगा और बोलूँगा मिल रहा है क्या भाई, अगर वो मिलेगा तो जो भी फाइनलाइज होगा कि क्या प्राइस है, गार्ड बनेगा नहीं बनेगा, वो सब अपडेट वीडियो में दे दूँगा या इंस्टाग्राम पे दे दूँगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो कर लो, स्टोरीज तो मैं इंस्टाग्राम पे क्या है मैं स्टोरीज तो डालता हूँ बट एवरीडे की एक फ़ोटो अपलोड करता हूँ जो आपको अच्छी लगेगी। लाइक करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, बट देख लेना। और कैप्शन जो मैं लिखता हूँ ना वो भी पढ़ लिया करो, लाइफ के रिलेटेड रहता है, मेरी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड भी रहता है, और अच्छा लगेगा चेकआउट कर लेना। अभी मैं निकलता हूँ घर की तरफ। फिर मेरे को ड्रॉप करके आ गया। उसके बाद घर पे आने के बाद पहले शावर लिया, अभी ब्रेकफास्ट बाकी है, प्रेयर करना भी बाकी है, बट मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये है कपड़े पहनने का स्टाइल, ग्रीन टी शर्ट ब्लैक पैंट। मुंबई में गर्मी लगती है इसलिए मैंने ट्रैक पहना है, वरना अपने पास ब्लैक कलर का कार्गो भी है, जीन्स भी है, दिखा देता हूँ, वरना बोलेंगे भाई साहब के पास नहीं रहेगा। दिखाता हूँ, ये देखो, ये रहा ब्लैक कलर का जीन्स, ठीक है, दिखा। और ये है ब्लैक कलर का कार्गो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कपड़ा पहनो ना, ब्लैक कलर का लोअर पार्ट रहता ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब कोई भी टी शर्ट, जैसे हुआ मैंने सुबह बताया कि कितने सारे टी शर्ट है मेरे पास। मुंबई में गर्मी ज़्यादा लगती है ना, इसलिए मैं ट्रैक पैंट पहनता हूँ और घूमता हूँ, बट मॉल जाना है या डिनर जाना है या किसी रिलेटिव के पास जाना है तब जाके कार्गो या जीन्स पहनता हूँ, वरना बोले। और ट्रैक भी मेरे पास 10 जोड़ी है, जीन्स की भी बात करूँ तो 6 जोड़ी है, और कार्गो की बात करूँ तो भी 6 जोड़ी है। बट ऐसा होता है कि पर्टिकुलर ब्लैक कलर इज़ फेमस, यानी 3 मेरे पास ब्लैक ट्रैक है, और जैसे कार्गो और जीन्स बताया वो भी 2 है, और एक ब्लैक कलर का कार्गो है जो मैं कभी पहनता नहीं हूँ। दिखाता हूँ, यहाँ पे रखा हुआ है मैंने डस्टबिन में, तो डस्टबिन बोलो तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। अरे यार आना बहुत नीचे लगता है, रुको दिखा रहा हूँ। आगे देखो, ये रहा ब्लैक कलर का कार्गो, ये मैं पहनता ही नहीं हूँ, पता नहीं वो कार्गो पहनने का मन नहीं होता, आई डोंट नो व्हाई, बट होता है ना कभी कभार कि नहीं पहनना है तो नहीं पहनता, ऐसा है। तो अभी भगवान का नाम ले लेता हूँ, खाना पीना खा लेता हूँ। कमेंट में बताना ये हमारे राधे कृष्ण की पेंटिंग कैसी है। ये मम्मी को पसंद आई थी, फिर मुझे दिखा, मैं ऑफिस से आया फिर जाके ख़रीद लिया, और ये हमारे साथ 2008 से जुड़ी है और अभी चल रहा है 2021, यानी 12 साल से हमारे साथ है। और मुझे ये अच्छी लगती है पेंटिंग, खाली बस साफ सुफ करना पड़ता है, जो हर महीने में थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ। बताना कमेंट में कैसे लगा, और आपके घर पे भी अगर आपको ये ऐसी कुछ मूर्ति रखनी है तो रख सकते हो। राधे कृष्ण भगवान तो बोलो ना, हिंदू धर्म में हमेशा रहना ही चाहिए। और ये जोड़ी भगवान ने, क्या बताऊँ, शब्द नहीं मेरे पास इसके बारे में कुछ बोलने के लिए, बट समझ जाओ मेरे इमोशन को। रूमी की स्कूल के वहाँ पे मैं आ गया हूँ, बट वो अभी तक नहीं आई। ऐसा लग रहा है आज मैं जल्दी आ गया, वो लोग लेट छूट रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है, मुझे उसका इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर वो आती है तो निकलते घर की तरफ। मैं वहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके दोस्त लोग आ गए, सब लोग आगे जा रहे हैं, बट रूमी सबसे लेट आई। तो बस वहाँ पे बैठे बैठे अपना स्टॉक मार्केट देख रहा हूँ, और आप लोगों को अलग एंगल से व्यू दिखा रहा हूँ। मेरे पास एक ही कैमरा है तो मेहनत करनी पड़ती है, निकालना पड़ता है, आगे लगाना पड़ता है, वहाँ से निकाल के आगे यहाँ पे लगाना पड़ता है, ऐसे सब काम करना पड़ता है। 2-3 कैमरा हो तो मज़ा आ जाए। आप लोग सपोर्ट करोगे तो फ्यूचर में बोलते ना 2-3 कैमरा ले लूँगा गोप्रो ही। तो ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ब्लॉग के लिए, कंसिस्टेंटली वीडियो बना रहा हूँ, उसके लाइक तो बनता है, और अच्छी लगती है वीडियो तो यार शेयर भी करो सबके साथ। लाइफस्टाइल व्लॉग बनाता हूँ, ट्रैवल व्लॉग बनाता हूँ, मोटो व्लॉग बनाता हूँ, जैसे बाकी यूट्यूबर व्लॉग बनाते हैं वैसे मैं भी ट्राई कर रहा हूँ व्लॉग बनाने के लिए। तो आपको थोड़ा सा भी एंटरटेन या इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन है उसको क्लिक कर देना, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आती रहे। और आप लोगों को मेरी ट्रैवल व्लॉग मोटो व्लॉग देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे मैंने फोल्डर बना के रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अभी तो उर्मी को लेके घर की तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद मुझे वापस आना है बोरीवली या अंधेरी, बिकॉज गोप्रो के रिलेटेड ही कुछ काम है। तो एक लड़के से मिलना है, और वो जब भी मिलूँगा तो बता दूंगा कि क्या काम करने आया था उसके साथ।